नमस्कार। जी नमस्कार नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं पत्रकार राकेश रंजन जी के साथ। मधु कोड़ा की पार्टी और उनकी जो आगामी चुनावों में जो रणनीति होगी वो क्या कैसी होगी, और उनका झुकाव किस घटक दल की तरफ है, मैंने किस गठबंधन की तरफ है? देखिए, फिलहाल जो है, जब अलग हुए थे ना भाजपा से, निर्दलीय जीते थे, मधु कोड़ा भाजपा के ही सिपाही थे, उनका टिकट जब कट गया था तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे जगन्नाथपुर सीट से, और निर्दलीय चुनाव लड़े भी और भाजपा के उम्मीदवार को पराजित भी किया था। और यह संजोग कहिए या जो कहिए कि अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री की कुर्सी से किनारे करने वाले भी बने वही मधु कोड़ा ही, जो उनको हराए, जो उनका टिकट कटा था। कहा अर्जुन मुंडा ने टिकट कटवाया, कुछ किया क्या किया नहीं किया वो अंदरूनी मामला है, लेकिन उसका की बात हुई थी, दूसरे को मिला था। और मधुपुरा के समर्थकों ने जो है उसी भाजपा के कार्यालय पर कब्जा जमा लिया था और अपना दफ्तर खोल करके अपना निर्दलीय चुनाव लड़के चुनाव वगैरह जीते थे। बाद के दिनों में उन्होंने जय भारत समानता पार्टी बनाई और अपने को सिंहभूम सीट से चुनाव लड़ा और जीता भी। बाद में उनको सजा हो गई तो अलग हो गए, तो फिर पत्नी को चुनाव लड़ाया जगन्नाथपुर सीट से, विधायक बनाए। बाद में फिर कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस में आकर के उनकी पत्नी को टिकट सिंहभूम सीट से मिला पिछले चुनाव में, और गीता कोरा जो उनकी पत्नी होती है वो सिंहभूम सीट के से जो सांसद थे लक्ष्मण गिलुआ, और वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उनको शिकस्त दिया। और जो जगन्नाथपुर की सीट थी विधानसभा चुनाव में, विधानसभा जब चुनाव हुआ तो हम उनके खास हम खास थे तो उनको टिकट दिया और वहां चुनाव जीते। तो कहने का आशय यह है कि सिंहभूम में मधु कोड़ा की मजबूत पकड़ है, और यह कहना मैंने अतिशयोक्ति नहीं है कि मधु कोड़ा अगर जीते हैं तो कांग्रेस की जीत नहीं है, ठीक है ना, वो उनकी जीत है, क्योंकि उनका अपना हिसाब किताब है, पकड़ है उनकी, अपनी राजनीति का तरीका है। लेकिन विधानसभा के जो परिणाम हुए, पिछले परिणाम, उसमें सिंहभूम की 14 सीटों में, नहीं मैंने कोल्हान की 14 सीटों में, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम की 14 सीटों में 12 सीटें जेएमएम ने जीती हुई, और दो कांग्रेस है, जमशेदपुर पश्चिम और जगन्नाथपुर जो कोरा के करीबी जीते हुए हैं। तो इस बार जो है जेएमएम का दबाव है, खास करके वहां की जो इकाई है कि भाई हमारे इतने विधायक हैं, सब कुछ है कोल्हान में, तो कम से कम इस सीट पर तो हमारा दावा बनता ही बनता है। तो इसको लेकर के फिर एक बात भी आई कि भैया अगर दावा बनता है और कहीं जेएमएम को सीट मिल गई, कुछ हो गया, कांग्रेस अगर ऐसा कुछ कर दिया तो ये लड़ने से वंचित हो जाएंगे, तो क्या करेंगे नहीं करेंगे। और चूंकि भाजपा के पास भी अब कोई मजबूत विकल्प नहीं है बचा, मान उस सीट पर लड़ने के लिए कोई ऐसा चेहरा नहीं है, तो भाजपा भी अब जो भाजपा का माहौल बदला है और जो भाजपा के बिछड़े लोग हैं जो वापस आ रहे हैं, खास करके बाबूलाल मरांडी जैसे चेहरे, वापस जिम्मेदारी मिली है, अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, सब है, तब इस बात की चर्चा हो रही है बहुत सीरियस, मैंने बहुत जोर शोर से, कि मधु कोड़ा भी जो है अब भाजपा में आ जाएंगे, ठीक है ना, और फिर उनकी पत्नी को भाजपा की उम्मीदवारी मिलेगी सिंहभूम सीट से। हालांकि मधुपुरा सीधे तौर पर इसको स्वीकारते नहीं है, इस बात को कहते हैं कि हमारे बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है, हम कांग्रेस के मजबूत सिपाही हैं, और यह हालांकि नेतृत्व को तय करना है कि किसकी सीट होगी नहीं होगी, क्योंकि हम सीट जीते हुए हैं तो स्वाभाविक दावा मेरा है। लेकिन जो चर्चा है उसमें यह है कि मधुपुरा कांग्रेस का पल्ला झाड़ करके भाजपा में शामिल, और इसके लिए बाबूलाल मरांडी भी पहल कर रहे हैं। जहां तक अर्जुन मुंडा की बात है तो अर्जुन मुंडा भी बदले जो परिदृश्य हैं उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उनका अपना वहां सीट जो है खूंटी से चुनाव लड़ना है तो स्वाभाविक रूप से खूंटी सटा हुआ जिला है, और जो आपको पश्चिम सिंहभूम जिला है, जो खूंटी सीट जो है ना वो 3 जिला को लेकर के है, उसमें आपको सरायकेला खरसावां जिले का भी कुछ हिस्सा है, पश्चिम सिंहभूम का भी कुछ हिस्सा है, और खूंटी का हिस्सा तो है ही है, जैसे रांची लोकसभा भी है उसमें भी 3 जिला जुड़ता है।
तो तीन जिले के लोग वोट करते हैं वहां पर, तो इसमें है तो चूंकि उनको अपना सीट पर तो वहां उनसे कोई कोरा से प्रतिद्वंदिता तो होगी नहीं, रही बात आगे मुख्यमंत्री बनने की या कुछ है, तो कोरा को फिलहाल कहीं कुछ राहत मिलने की संभावना नहीं है कि ऐसा नहीं है कि वो फिर आएंगे चुनाव लड़ जाएंगे जीत जाएंगे और वो अपनी दावेदारी पेश करेंगे। तो चूंकि कोरा को भी राजनीति में रहना है, जिंदा रहना है, अपना वजूद बनाए रखना, तो आएंगे रास्ता चलाते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हो सकता है, बहुत आश्चर्य नहीं है कि कोरा भी निकट भविष्य में आ जाए, क्योंकि अब प्रधानमंत्री भी आए हैं, वो चूंकि स्वाभाविक रूप से बात करेंगे बाबूलाल मरांडी से भी, क्योंकि बाबूलाल मरांडी को भी संगठन का विस्तार वगैरह करना है, सब कुछ करना है। तो देखिए कि अब इसके अगर बाद जो कांग्रेस की तरफ प्रधानमंत्री के से जाने के बाद जो फिर अगर कांग्रेस की तरफ से गीता कोड़ा को वहां की सीट नहीं मिलती है, सिंहभूम की सीट, पश्चिम सिंहभूम की सीट नहीं मिलती है, तो क्या होगा? देखिए, तो बेशक भाजपा के पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, तो अभी है कि थोड़ा मन मनोबल की बात हो रही है, उस समय भी आ जाएंगे, हर हालत में आ जाएंगे, दौड़ के आ जाएंगे। और अगर उस समय भाजपा नहीं उनके लिए द्वार खोलती है, ठीक है ना, तो फिर मधेपुरा अगर निर्दलीय मैदान में आ जाते हैं, तो फिर बीजेपी कांग्रेस दोनों, बीजेपी और उधर कांग्रेस का है, माने जो महागठबंधन का होगा, उनका भी खेल बिगड़ेगा, ठीक है ना, दोनों के लिए बहुत मुश्किल होगी। और फिर बहुत आश्चर्य नहीं कि त्रिकोणीय मुकाबले में क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि फिर मुकाबला सीधा नहीं रह जाएगा। लेकिन कुल मिला के देखिए, इसको तय मानिए कि वो भले बाप कह रहे हैं कोरा जी की अभी हम नहीं है, ऐसा कुछ हमारा इरादा नहीं है, लेकिन भीतर खाने सब कुछ तय है और उनको बीजेपी में आना ही आना है, जो उनके करीबी लोग भी बताते हैं, कई पत्रकार भी उनके खास करीबी हैं जो लोग उनके साथ रहते होते हैं और उनसे अपना और सब सुख दुख शेयर करते रहते हैं, तो वो लोग भी बताते हैं कि आएंगे और निश्चित रूप से आएंगे। तो सोचना है कि उस समय में भी कांग्रेस को फिर मुश्किल होगी, तो कांग्रेस हमको लगता है कि तब आसानी से जेएमएम को सिंहभूम सीट दे करके जमशेदपुर सीट लेने की कोशिश करेगी, ठीक है ना, क्योंकि जमशेदपुर सीट जेएमएम लड़ी हुई थी और दो दो चुनाव लड़ी है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली है। तो यहाँ अजय कुमार हैं, यहाँ से सीट जेवीएम से जीते भी हुए थे, अभी वो कांग्रेस में है, तो उनको मिल जाए, क्योंकि वो भी जोर लगाए हुए हैं और वो राष्ट्रीय प्रवक्ता वगैरह भी होते हैं, अभी प्रभारी वगैरह भी थे दूसरे राज्य में, तो यह स्थिति बन रही। जी बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। जी नमस्कार, नमस्कार।